And sorry for the delay. The topic which I am going to deliberate today is content analysis, meaning, concept, types and process. So this whole deliberation is divided into 8 sections. The first one is meaning of content, what it is. Then concept of content analysis, types of content analysis, process of content analysis, advantage and disadvantage of content analysis, issue of reliability and validity of content analysis, software for content analysis, and some study materials related to content analysis. Starting with the meaning of content, we can say that any ideas that are contained in a piece of writing or in a speech or in a film or in a presentation or in an advertisement or in a website or in a piece of music, whatever it is, we can say that is the content. Various dictionaries like Cambridge English Dictionary define that the ideas that are contained in a piece of writing, a speech or a film or a presentation, advertisement, etc. is content. Then an online dictionary, dictionary.com, define that something that is to be expressed through some medium as speech, writing or any of the various arts. Then similarly, Macmillan Dictionary defined that the subject, ideas or story that a piece of writing or a radio or television program deals with. The second definition given by the similar dictionary, that is any material such as writing, video or music that appears on a website or other electronic medium is defined as content. Thus, on the basis of above mentioned definition, etymologically, content are the ideas that are contained in a piece of writing, a speech or a film or a radio or a television program or a website or a PowerPoint presentation or advertisement, what or maybe. तो किसी भी माध्यम के द्वारा, अगर कहा जाए किसी भी माध्यम के द्वारा किसी विचार की अभिव्यक्ति होती है तो वो कंटेंट होता है. वो समाचार पत्र में छपा कोई आर्टिकल हो सकता है, कोई कहानी हो सकती है, पाठ्य पुस्तक का कोई हिस्सा हो सकता है, रेडियो या टेलीविजन पर प्रसारित कोई कार्यक्रम हो सकता है, कोई विज्ञापन हो सकता है, कविता का कोई अंश हो सकता है, वेबसाइट पर दी गई कोई सूचना हो सकती है, या ऑनलाइन डिस्कशन फोरम पे जो डिस्कशंस होते हैं, जो कमेंट्स आते हैं, वो हो सकता है. कुछ भी जो कुछ विचार को अपने अंदर समाहित किए होता है उसे हम कंटेंट कहते हैं. अब चूंकि कंटेंट के लिए एक माध्यम का होना आवश्यक है, इसलिए इस आधार पर इसे हम दो भागों में भी बांट सकते हैं. दैट इज मीडिया कंटेंट एंड ऑडियंस कंटेंट. मीडिया यानी कि प्रिंटेड मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और ऑडियंस जब ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के समूह के साथ साक्षात्कार होता है, चाहे वो ऑनलाइन फोरम पे हो या फेस टू फेस माध्यम से हो, आमने सामने हो, तो उस तरह के कंटेंट को हम ऑडियंस कंटेंट कहते हैं. अगर डेफिनेशन देखा जाए तो मीडिया कंटेंट आर कंटेंट विच आर कंटेंट बाय एनी टाइप ऑफ मीडिया लाइक प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अदर राइटिंग्स, अदर रिकॉर्डिंग्स,
लाइफ सिचुएशन, ऑब्जर्वेशन एक्सेट्रा, एंड दस एवरीथिंग विच इज मेंशन्ड अर्लियर इन द डेफिनेशंस ऑफ गिवन डिक्शनरीज, दोज ऑल आर आइडेंटिफाइड एज मीडिया कंटेंट। जो पहले अभी जितनी वो डिक्शनरीज की परिभाषाओं को हम लोगों ने देखा, अलग अलग प्रकार के शब्दकोश में जो परिभाषाएं दी गई थी, उन सब परिभाषाओं में जितने भी कंटेंट की बात की गई थी, उन सबको हम मीडिया कंटेंट के रूप में कह सकते हैं। अब ऑडियंस कंटेंट को अगर डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं कि फीडबैक इन एनी फॉर्म फ्रॉम ऑडियंस मेंबर। जो ऑडियंस के मेंबर है, जो ग्रुप ऑफ पीपल है, उसके द्वारा किसी भी रूप में जो फीडबैक प्राप्त होता है, जो चाहे वो ऑनलाइन हो या लिखित रूप में हो या रिकॉर्डेड रूप में हो, जो फीडबैक ऑडियंस के द्वारा मिलता है उसको हम ऑडियंस कंटेंट कहते हैं। इट कैन बी इधर प्राइवेट और पब्लिक। ऑडियंस कंटेंट प्राइवेट भी हो सकता है, जैसे अभी जो हमारा लेक्चर चल रहा है इसमें बहुत सारे लोगों के जो भी अभी कमेंट्स या फीडबैक्स मुझे मिलेंगे, जो सब कुछ चैट बॉक्स में दिख रहा है, इसको हम पब्लिक कंटेंट कह सकते हैं क्योंकि ये सबके लिए उपलब्ध है। लेकिन कोई अगर व्यक्तिगत रूप से मुझे मैसेज करके और इस व्याख्यान के विषय में कोई फीडबैक दे रहा है तो उसको हम प्राइवेट फीडबैक की संज्ञा देंगे। तो इस प्रकार से पब्लिक और प्राइवेट कंटेंट दोनों ऑडियंस कंटेंट के भीतर आते हैं। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो ओपन एंडेड क्वेश्चन इन सर्वे, जब कोई सर्वे हम करते हैं और उसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन के जो रिस्पांस मिलते हैं, उस रिस्पांस का प्रयोग जब हम करते हैं तो उस रिस्पांस की अगर एनालिसिस करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये जो है वो ऑडियंस कंटेंट है और ये प्राइवेट ऑडियंस कंटेंट है। इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स, इंटरव्यू के जवाब में जो हमें जो जवाब मिलते हैं उसका जो ट्रांसक्रिप्ट होता है, जो लिखित अभिलेख होता है उसका, वो भी एक प्रकार का प्राइवेट ऑडियंस कंटेंट होता है। पब्लिक ऑडियंस कंटेंट की जब हम बात करते हैं तो उस समय जो समस्त ऑडियंस ग्रुप के सारे मेंबर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम पब्लिक कंटेंट कहते हैं। जैसे किसी ऑनलाइन डिस्कशन फोरम में पोस्ट करना, तो ये उस फोरम में जितने भी लोग होंगे उन सबके लिए ये पोस्ट होगा और सब उसकी अपने अपने ढंग से एनालिसिस कर सकते हैं, इसलिए ऐसे कंटेंट को हम कहते हैं कि ये पब्लिक ऑडियंस कंटेंट है। या लिसनर्स रिस्पांस इन टॉकबैक रेडियो प्रोग्राम, रेडियो में जो टॉकबैक प्रोग्राम होता है, कोई कार्यक्रम आता है और उसके बीच में उससे ऑडियंस जो है, जो होस्ट होता है, जो कार्यक्रम का संचालक होता है, उससे कनेक्ट कर पाता है अपने आप को टेलीफोन के माध्यम से और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया को हम कहते हैं कि ये लिसनर्स रिस्पांस इन टॉकबैक रेडियो प्रोग्राम। तो ये प्रतिक्रिया भी पब्लिक ऑडियंस कंटेंट के तहत आती है। इन चीजों को जानना हमारे लिए इसलिए आवश्यक है कि अब तक सामान्यतः जो कंटेंट एनालिसिस की समझ हम सबको है, सामान्यतः जो समझ होती है विकसित, वो हम ये समझते हैं कि इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट या फिर न्यूज़पेपर का कटिंग या किताब का कोई हिस्सा, ये सारे कंटेंट ही होते हैं और इन्हीं के कंटेंट एनालिसिस की जा सकती है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इन अलग अलग प्रकार के कंटेंट जो भी कुछ अपने अंदर विचार निहित कर रहे हैं, जो कुछ विचार को ढो रहे हैं अपने अंदर, समाहित किए हुए हैं, ऐसे सारे कंटेंट्स को हम एनालाइज कर सकते हैं। और इसके कारण कंटेंट एनालिसिस को अलग अलग नाम भी प्रदान किए गए, जैसे डॉक्यूमेंट एनालिसिस,
डिस्कोर्स एनालिसिस। डिस्कोर्स एनालिसिस की अगर बात करें तो डिस्कोर्स रिटन भी होता है और स्पोकन भी होता है। डिस्कोर्स सामान्यतः इट इज अ पीस ऑफ आइडियाज और रिटन टेक्स्ट और स्पीच जनरली मोर देन वन सेंटेंसेज, जो कि सामान्यतः एक सेंटेंस से एक वाक्य से अधिक होता है, उसको हम डिस्कोर्स कहते हैं, चाहे वो लिखित रूप में हो और या फिर मौखिक हो। तो इसकी भी एनालिसिस की जाती है। तो ये भी एक प्रकार का कंटेंट एनालिसिस ही है, क्योंकि उसमें भी हम कंटेंट को ही एनालाइज करते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट रिटन फॉर्म है तो वो डॉक्यूमेंट है, चाहे वो न्यूज़पेपर का आर्टिकल हो या गवर्नमेंट का गजट हो या किसी किताब का कोई हिस्सा हो, कुछ भी हो, तो वो किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट हो उसकी एनालिसिस की जाती है, इसलिए उसे डॉक्यूमेंट एनालिसिस कहते हैं। ये सब कंटेंट एनालिसिस के ही अलग अलग रूप होते हैं। तो अब कंटेंट के मायने को समझने के बाद यदि हम कंटेंट एनालिसिस को डिफाइन करें या इसको कंसेप्चुअलाइज करने की कोशिश करें, तो यह कहा जा सकता है कि इन इट्स सिंपलर फॉर्म, अपने सामान्य रूप में, अपने साधारण रूप में, कंटेंट एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द कंटेंट। सामान्य रूप में ये कंटेंट को एनालाइज करने की, विश्लेषित करने की प्रक्रिया है। बट टेक्निकली और इन द लैंग्वेज ऑफ रिसर्च विच इज आवर कंसर्न फॉर टूडे, आज के जो हम बात कर रहे हैं वो सामान्य अर्थों में इसे समझने की चेष्टा नहीं है हमारी, हम इसे शोध विज्ञान की भाषा में समझने की कोशिश कर रहे हैं। और शोध विज्ञान की भाषा में हम कहें तो कंटेंट एनालिसिस इज अ रिसर्च टूल और इज अ रिसर्च मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन वर्ड्स और कॉन्सेप्ट्स विद इन टेक्स्ट और सेट ऑफ टेक्स्ट, यानी कुछ संदेश के कुछ या संदेशों के समूह में से पर्टिकुलर किसी वर्ड या किसी कॉन्सेप्ट के प्रेजेंट होने की, उपस्थिति की और उसके अर्थ की व्याख्या करने की विधि जो है, उसके विश्लेषण करने की जो विधि है, इसी को हम कंटेंट एनालिसिस कहते हैं। इसको और व्यापक अर्थों में अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि कंटेंट एनालिसिस जो है वो किसी पीस ऑफ राइटिंग में या किसी स्पीच में या किसी टेलीविजन प्रोग्राम में या किसी रेडियो प्रोग्राम में या फिर किसी भी माध्यम में उपस्थित किसी पर्टिकुलर वर्ड या कॉन्सेप्ट के प्रेजेंटेशन को, उसकी फ्रीक्वेंसी को और उसके बीच में जो रिलेशनशिप होते हैं, जो संबंध होते हैं, उनकी व्याख्या करने या उनको विश्लेषित करने की प्रक्रिया है। ये एक व्यापक रिसर्च की विधि है जो कि सामान्यतः कंटेंट को समराइज करके उसके विषय में इन्फ्लुएंस ड्रॉ करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो अब इस प्रकार से अगर कंसेप्चुलाइज करने की कोशिश की जाए, कंटेंट एनालिसिस के सब सत्य को विकसित की जाए, तो यह कहा जा सकता है कि एक गहन एवं व्यापक शोध विधि जिसके द्वारा हम किसी भी माध्यम पे विहित संदेश जिसमें कि कुछ विचार निहित होते हैं, उस संदेश में विहित किसी शब्द या शब्दों एवं उसमें उपस्थित संप्रत्यय या संप्रत्ययों की उपस्थिति की संप्रत्ययों की उपस्थिति, उसकी उपस्थिति की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, यानी कि वो शब्द या संप्रत्यय उसमें कितनी बार आया है और उनके बीच में आपस में क्या संबंध है, इन सब की व्याख्या करता है। अब इस आधार पर यदि हम देखें तो
कंटेंट एनालिसिस के दो प्रकार हमें बताए गए। पहला कंसेप्चुअल एनालिसिस और दूसरा रिलेशनल या कोरिलेशनल एनालिसिस। कंसेप्चुअल एनालिसिस डिटरमाइंस द एग्जिस्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन ए टेक्स्ट। ये बहुत ही सामान्य प्रकार का, सरल प्रकार का प्रक्रिया होती है जिसमें हम सिर्फ ये बताते हैं कि किसी भी टेक्स्ट में कोई कॉन्सेप्ट उपस्थित है या नहीं है और कितनी बार है, यानी कि उसकी उपस्थिति और उसकी फ्रीक्वेंसी की बात की जाती है। इट इज ऑल्सो नॉन एज थीमेटिक एनालिसिस। इसका एक दूसरा नाम थीमेटिक एनालिसिस भी है। इस प्रकार के एनालिसिस में जो फोकस होता है रिसर्चर का ध्यान जो है वो सिर्फ इस बात पर केंद्रित होता है कि कोई कंसेप्ट कितनी बार टेक्स्ट में आया है। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात होती है कि कॉन्सेप्ट्स के भी दो प्रकार हो जाते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट जो साफ साफ हमें दिखता है, इम्प्लिसिट जो कि अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है, अप्रत्यक्ष रूप से उसकी बात करता है। तो कंटेंट दोनों प्रकार के हो सकते हैं और जब हम कंटेंट की एनालिसिस कर रहे होते हैं, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस हो या रिलेशनल एनालिसिस हो, तो हमें इन दोनों प्रकार के कंटेंट को देखना पड़ता है। अगर हम प्रेजेंटेशन और अकरेंस और फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि इम्प्लिसिट कॉन्सेप्ट कितने आए हैं और एक्सप्लिसिट कितने आए हैं और कितनी कितनी बार आए हैं। सामान्यतः जब हम कंटेंट एनालिसिस की बात करते हैं तो उसका मतलब कंसेप्चुअल कंटेंट एनालिसिस से ही होता है। साधारण शब्दों में कंटेंट एनालिसिस का अर्थ कंसेप्चुअल कंटेंट एनालिसिस ही है। अब इसकी एक प्रक्रिया है, क्योंकि ये एक शोध विधि है और गहन एवं व्यापक शोध विधि है, तो इसकी प्रक्रिया के जो सोपान हैं, जो स्टेप्स हैं, वो प्रीडिटरमाइंड होते हैं, वो निश्चित हैं। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस प्रकार से ही हमें चलना होता है। तो पहला सोपान जो होता है, हालांकि ये किसी भी प्रकार के शोध की शुरुआत ही है, और चाहे वो क्वांटिटेटिव स्टडी हो या क्वालिटेटिव स्टडी हो, और कोई भी प्रकार का शोध हो, कोई भी प्रकार की तकनीक उसमें हम लगाएं आंकड़ों के विश्लेषण के लिए, शोध की शुरुआत ही होती है इस पड़ाव से, जो कि होता है आइडेंटिफाइंग रिसर्च क्वेश्चन, शोध के प्रश्नों को पहचानना या चयन करना, या कह लें कि उसको परिभाषित करना। क्यों? क्योंकि शोध का प्रश्न जो है वो रिसर्च वर्क के गाइड के रूप में काम करता है। वो हमें बताता है कि आपको किस डायरेक्शन में आगे चलना है। इट पिन पॉइंट्स एग्जैक्टली व्हाट वन वांट्स टू फाइंड आउट थ्रू वंस रिसर्च वर्क। ये बिल्कुल पिन पॉइंटेड करके एकदम वेल डिफाइंड बताता है कि आप जो है अपने रिसर्च के द्वारा, यानी एक शोधकर्ता अपने शोध के द्वारा क्या पाना चाहता है। इसका उत्तर उसे अपने रिसर्च प्रश्न के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसलिए पहला पड़ाव कंसेप्चुअल कंटेंट एनालिसिस का है आइडेंटिफाइंग रिसर्च क्वेश्चन, कि आप क्या एनालिसिस कर रहे हैं और उससे क्या पाना चाह रहे हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप होता है, और उससे भी महत्वपूर्ण होता है कि यहाँ पर हम एक क्लियर और डायरेक्ट रिसर्च क्वेश्चन जो प्रत्यक्ष बात करे, अप्रत्यक्ष रूप से तथ्यों को प्रस्तुत न करे, प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करे और बिल्कुल ही स्पष्ट भाषा में लिखा गया हो, इस प्रकार के शोध के प्रश्नों का चयन करें। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि जैसे अभी कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर बोर्ड के सेकेंडरी एजुकेशन के जो कंटेंट्स थे, एजुकेशनल कंटेंट, उसकी एनालिसिस की गई थी। उसके लिए एक शोध प्रश्न जो बनाया गया था, इसमें वो कहा गया था कि डू द बुक्स
रिकमेंडेड बाय द जम्मू एंड कश्मीर स्कूल बोर्ड फॉर क्लास 9th डिसेमिनेट द फीलिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन अमंग 9th ग्रेड स्टूडेंट्स। अब ये एकदम साफ सुथरी बात कर रहा है कि क्या जम्मू कश्मीर स्कूल बोर्ड द्वारा जो पुस्तकें नौवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बताई गई हैं, जो उनके पाठ्यक्रम में समाहित हैं, क्या वो उन विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को प्रोत्साहित कर रहा है। तो अब जो भी रिसर्चर होगा वो उन पुस्तकों में उन्हीं चीजों को चयनित करेगा, उन्हीं कॉन्सेप्ट को चयनित करेगा जो नेशनल इंटीग्रेशन से रिलेटेड हो। तो इस प्रकार से प्रश्न बिल्कुल प्रत्यक्ष होने चाहिए। दूसरा स्टेप होता है डिसाइडिंग सैंपल साइज, इट इज द सेकेंड स्टेप ऑफ द कंटेंट एनालिसिस। और इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं बना गया कि आपका सैंपल साइज इस प्रकार का होना चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन द एक्सपेक्टेड आउटकम एंड टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। ये निर्भर करता है कि आपके शोध जो के द्वारा आप क्या पाना चाहते हैं, या यूं कह लें कि आपके शोध कार्य के प्रत्याशित परिणाम क्या है और किस प्रकार के टेक्स्ट को आप देखना चाह रहे हैं। न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, स्टोरी बुक है, एजुकेशनल टेक्स्ट बुक्स है, रेफरेंस बुक है, उनकी अवेबिलिटी क्या है, उपलब्धता कितनी है। अगर हम इस प्रकार के टेक्स्ट ले लें जो हमें उपलब्ध ही नहीं हो पाएगा, तो जितना उपलब्ध हो सकता है उतने ही की द्वारा हमें एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो ये सब डिपेंड करता है एक्सपेक्टेड आउटकम पर और व्हाट काइंड ऑफ टेक्स्ट इज गोइंग टू बी एनालाइज्ड, तब किस प्रकार के टेक्स्ट को आप एनालाइज करने की बात कर रहे हैं, इस पे निर्भर करता है कि आपका सैंपल क्या होगा। ये दो बातें जो हैं वो कॉन्सेप्चुअल कंटेंट एनालिसिस और कोरिलेशनल कंटेंट एनालिसिस दोनों में सामान्य है, यानी दोनों की प्रक्रिया जो है वो इन्हीं दोनों से शुरू होती है। जब हम अभी रिलेशनल कॉन्सेप्ट कंटेंट एनालिसिस की बात करेंगे तो वहां भी हम लोग इसको देखेंगे। तीसरा पड़ाव होता है डिसाइड द लेवल ऑफ एनालिसिस। लेवल ऑफ एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो हम यहां पर यह निश्चित करते हैं कि हम टेक्स्ट में क्या खोजेंगे और किन चीज की एनालिसिस करेंगे। हम कोई एक वर्ड सिर्फ देखेंगे, नेशनल इंटीग्रेशन की हमने जैसे बात की, तो हम क्या उन किताबों में जो शब्द नेशनल इंटीग्रेटेड से रिलेटेड है सिर्फ उन शब्दों को ढूंढेंगे, या फिर उसके अर्थ को देखेंगे, या फिर फ्रेज को देखेंगे। जैसे फ्रेज का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो शब्दों के समूह को देखेंगे, या पूरा वाक्य देखेंगे, या थीम को देखेंगे, किस चीज को हम देखना चाहते हैं। तो जो हमारा लेवल ऑफ एनालिसिस है वो हमें यहाँ पर डिसाइड करना पड़ता है, क्योंकि लेवल ऑफ एनालिसिस के डिसाइड होने के बाद ही हम कोडिंग की प्रक्रिया और कोडिंग के रूल डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमें वर्ड एनालाइज करना है तो उसके कोडिंग के लिए हमें कुछ अलग रूल बनाने पड़ते हैं, या हमें कोडिंग के रूल में यह लिखना पड़ता है कि ओनली वर्ड विल बी कोडेड, सिर्फ शब्दों को ही कोड किया जाएगा, बाकी चीजों को छोड़ देना है। तो इस प्रकार से इस पड़ाव पर लेवल ऑफ एनालिसिस को डिसाइड करना जो है वो आवश्यक हो जाता है। चौथी बात हो जाती है डिसाइड हाउ मेनी कॉन्सेप्ट्स टू कोड फॉर, कितने कॉन्सेप्ट्स को डिसाइड कोडिंग करना है। लेवल के बाद कितने कॉन्सेप्ट, जैसे यहां पर एक कॉन्सेप्ट की बात की गई कि नेशनल इंटीग्रेशन, इसके साथ कुछ और भी हो सकता है, एलिनेशन हो सकता है, जम्मू कश्मीर में एलिनेशन की बात ऐसे ही की जाती है, तो क्या उन किताबों में एलिनेशन को भी दिखाया गया है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात कर सकते हैं, ह्यूमन वैल्यूज की बात कर सकते हैं, कितने कॉन्सेप्ट्स को हमें कोडिंग करना है या कितने कॉन्सेप्ट को हमें एनालाइज करना है, इस चीज को हम यहां पर दिखाते हैं, डिसाइड करते हैं, निश्चित करते हैं। और
यहाँ पर जब हम इस बात को डिसाइड करते हैं तो हम इसका डिसीजन दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो होता है कि हम अपने डिसीजन में फ्लेक्सिबिलिटी रखें कि अगर संभावना हुई और ऐसा लगा एनालिसिस के दौरान कि कुछ और कॉन्सेप्ट्स को ऐड कर देने से हमारी एनालिसिस की प्रक्रिया जो है सुंदर हो जाएगी और जो परिणाम प्राप्त होंगे वो अधिक विश्वसनीय एवं वैध होंगे, तो हम उस दौरान भी कॉन्सेप्ट्स को अपनी कोडिंग प्रक्रिया में ऐड कर सकते हैं और उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरा होता है कि हम बिल्कुल प्री डिफाइंड सेट तैयार कर लें कि हमें बस इतने ही कॉन्सेप्ट को कोडिंग करना है, इससे ज़्यादा हम या इससे कम हम किसी भी परिस्थिति में नहीं करेंगे। प्री डिफाइंड सेट ऑफ कैटेगरीज में हमारे पास फिर कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। अगर हमें आवश्यकता महसूस भी होती है कि कुछ कोड्स को, कुछ कॉन्सेप्ट्स को और हम अपने एनालिसिस में सम्मिलित करें तो हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहली स्थिति जो है, पहला ऑप्शन जो है, जिसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, लोचशीलता रखते हैं कि ज़रूरत पड़े तो हम उसको शामिल कर सकें, उसको सम्मिलित कर सकें और कॉन्सेप्ट्स को, वो बेहतर होता है। दूसरी बात जो होती है वो होता है कि डिसाइड करना, यानी जो अगला पड़ाव होता है वहां पर हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के एग्जिस्टेंस को कोड करेंगे या उसकी फ्रिक्वेंसी को भी करेंगे, यानी क्या हम सिर्फ ये देखेंगे कि वो कॉन्सेप्ट आया है या नहीं आया है। अगर आया है तो कोडेड, नहीं तो कोई बात नहीं। जब सिर्फ हम एग्जिस्टेंस देखते हैं तो उसमें हम उस कॉन्सेप्ट को एक ही बार कोड करते हैं, चाहे वो हमारे टेक्स्ट में कितनी बार भी क्यों नहीं आया हो। जैसे हमने डिसाइड किया कि इंटीग्रेशन की बात की, तो हम ये देखते हैं कि चलो नेशनल इंटीग्रेशन ये टर्म हमें देखना है। अब ये टर्म आया है कि नहीं आया है, अगर आया है तो हमने कोड कर दिया, चाहे वो 10 बार आया हो, 20 बार आया हो, 50 बार आया हो, हमने उसको एक बार कोड कर दिया। लेकिन जब हम उसकी फ्रीक्वेंसी को भी देखते हैं तो फिर वो कितनी बार आया है हम उसके लिए उसको टैली मार्क भी देते हैं, यानी हम फ्रीक्वेंसी भी मेंशन करते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट जो है वो इस टेक्स्ट में 20 बार आया है, 50 बार आया है, 100 बार आया है, जितनी बार भी आया हो उसके लिए हम वहां पर फ्रीक्वेंसी देते हैं, उसकी आवृत्ति को लिखते हैं। तो ये भी जो है एक महत्वपूर्ण सोपान होता है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग कोडिंग प्रक्रिया बदल जाती है। अगर हम सिर्फ अकरेंस को करेंगे तो कोडिंग दूसरे प्रकार से होगी, अगर फ्रीक्वेंसी को भी करेंगे तो कोडिंग दूसरे प्रकार से होती है कोडिंग भी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सारी चीजें जो हैं वो एक तो क्रमिक है, दूसरा महत्वपूर्ण है, इसमें से किसी भी एक सोपान को हम छोड़ नहीं सकते हैं। जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें अकरेंस कोड करना है या कि फ्रीक्वेंसी कोड करनी है, तब हम अगले स्टेप पर आते हैं एंड दैट इज डेवलप रूल्स फॉर कोडिंग योर टेक्स्ट। जो भी कॉन्सेप्ट हमें कोड करना है उसकी कोडिंग के लिए रूल को डेवलप करना है। यहाँ पर कोई फिक्स्ड रूल पहले से रिसर्च साइंटिस्ट के द्वारा नहीं दिया गया है कि आपको इन इन रूल के तहत अपने कॉन्सेप्ट की कोडिंग करनी है। द रिसर्चर इज कंप्लीट इंडिपेंडेंट, शोधकर्ता जो भी होता है वो यहाँ पर स्वतंत्र होता है और उसे पूरी स्वतंत्रता होती है कि वो अपने लिए खुद नियम विकसित करे कि वो अपने कॉन्सेप्ट को किस प्रकार से कोडिंग करना चाह रहा है। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस भी जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस प्रकार के नियम को डिफाइन कर देने से क्या होता है कि कोडिंग की प्रक्रिया वेल ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है और कंसिस्टेंट हो जाती है, यानी हम एक पैटर्न, एक नियम के तहत ही लगातार कोडिंग करते चलते आते हैं, तो एरर होने की, गलती होने की संभावना जो है वो कम हो जाती है। अगला पड़ाव होता है डिसाइड व्हाट टू डू विथ इरिलेवेंट इंफॉर्मेशन। जो इरिलेवेंट इंफॉर्मेशन है
जो सूचना हमारे किसी काम की नहीं, उसके लिए क्या करना है? क्या हम इसको इग्नोर कर दें या फिर हम इसका दोबारा परीक्षण करें, हम इसको फिर से चेक करें कि ये कहीं ना कहीं से हमारे कॉन्सेप्ट से या हमारे कोडिंग स्कीम जो हमने योजना बनाई है कोड करने की, कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ तो नहीं है? तो दो चीजें हो सकती है, या तो हम इसको इग्नोर कर दें या फिर हम इसको रीएग्जामिन करें, और अगर लगता है कि ये कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है तो हम उसको अपने टेक्स्ट में फिर से सम्मिलित करें, अपने कोडिंग प्रोसेस में सम्मिलित करें। तो इस बात को भी यहीं पे हमें डिसाइड करना होता है, और जब ये भी डिसाइड हो जाता है तब अगला पड़ाव होता है कोड द टेक्स्ट। नियम बन गया, इरिलेवेंट इंफॉर्मेशन को क्या करना है उसके साथ ये डिसाइड हो गया, तब बारी आती है टेक्स्ट को कोड करना, और इस पड़ाव में हम अपने नियम के हिसाब से जो रूल हम डिसाइड करते हैं उसके हिसाब से हम कॉन्सेप्ट को कोड कर देते हैं। इसके बाद होती है, बाद में बात होती है एनालाइज योर रिजल्ट्स। अब कोडिंग हो गई तो एनालिसिस बाकी है, एनालिसिस के विदिन हम कंक्लूजन ड्रा करते हैं और यदि संभव हो तो जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट का जो इंटरप्रिटेशन होता है वो केयरफुली होना चाहिए, सावधानी पूर्वक होना चाहिए, क्योंकि यहां पर सिर्फ हम सूचनाओं को क्वांटिफाई करते हैं, सिर्फ ये बताते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आया है और इतनी बार आया है, तो इसलिए थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए कि एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन सावधानी पूर्वक हो जिससे कि परिणाम पर असर न पड़े। ये सारे स्टेप्स जो हैं वो कॉन्सेप्चुअल कंटेंट एनालिसिस या थीमेटिक कंटेंट एनालिसिस के लिए है। अगला प्रकार जो है कंटेंट एनालिसिस का, जिसको मैंने बताया था कि रिलेशनल एनालिसिस या कोरिलेशनल एनालिसिस होता है, इसको सिमेंटिक एनालिसिस भी कहा जाता है, ये जो है थोड़ा जटिल होता है। जो अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअल कंटेंट एनालिसिस को देखा उसकी तुलना में ये थोड़ी जटिल प्रक्रिया होती है, क्योंकि यहां पर सिर्फ अकरेंस और फ्रीक्वेंसी को नहीं देखा जाता है बल्कि यह भी देखा जाता है कि क्या रिलेशनशिप है। इट इज द प्रोसेस टू एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन द कंसेप्ट आइडेंटिफाइड। जो भी कॉन्सेप्ट है जो कि हमने पहचाना है, जिसे हमें कोड करना है, उनके बीच में किस प्रकार का संबंध है, उस संबंध को ढूंढना और उसकी व्याख्या करना, उसका विश्लेषण करना, यह कार्य जो है वो रिलेशनल एनालिसिस के तहत किया जाता है। अब इसके भी कुछ स्टेप्स, कुछ सोपान हैं जो कि लगभग मिलते जुलते हैं, कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत भिन्नता है। तो पहले दो सोपान को जैसे मैंने बताया कि आइडेंटिफाई द रिसर्च क्वेश्चन एंड चूज ये सैंपल, ये दोनों जो है वो किसी भी प्रकार के एनालिसिस के लिए, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल कंटेंट एनालिसिस हो या फिर कोरिलेशनल कंटेंट एनालिसिस हो, ये दो पड़ाव पहले आते हैं। फिर हम बात करते हैं तीसरे सोपान की, जिसमें कहा गया है कि डिटरमाइन द टाइप ऑफ एनालिसिस। यहां पर हम टाइप ऑफ एनालिसिस की बात करते हैं कि किस प्रकार का एनालिसिस हम करने जा रहे हैं। अब टाइप ऑफ एनालिसिस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म हो रहा है, क्योंकि टाइप ऑफ एनालिसिस तो कंसेप्चुअल और कोरिलेशनल की हम बात ही कर ही दिए, फिर इसके विदिन ये किस तरह की बात हो गई। तो टाइप ऑफ एनालिसिस से मतलब यहां पर होता है कि कुछ सब कैटेगरीज बनी हुई है कोरिलेशनल एनालिसिस के विदिन, और मुख्यतः तीन सब कैटेगरीज हैं जो है अफेक्ट एक्सट्रैक्शन, प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस और कॉग्निटिव मैपिंग। ये तीन सब कैटेगरीज बनी हुई हैं। अब हमें यहां पर इस पड़ाव पर आकर ये डिसाइड करना होता है कि इन तीनों में से
किस कैटेगरी को या किन कैटेगरीज को हम एनालाइज करेंगे, हम सिर्फ अफेक्ट एक्सट्रैक्शन को करेंगे देखेंगे, या प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस करेंगे, या कॉग्निटिव मैपिंग करेंगे, या कोई दो करेंगे या तीनों करेंगे, जो भी करना होता है हमें इस पड़ाव पर आकर उसको डिसाइड करना पड़ता है। अफेक्ट एक्सट्रैक्शन की जब बात करते हैं तो इसमें हम इमोशनल इवैल्यूएशन करते हैं, एन इमोशनल इवैल्यूएशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लिसिट इन अ टेक्स्ट। संदेश में जो भावनात्मक संवेगात्मक तथ्य छुपे होते हैं उसकी उसको ढूंढना जो है उसको ढूंढ के विश्लेषण करना, ये अफेक्ट एक्सट्रैक्शन सब कैटेगरी के तहत किया जाता है। प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस जो है वो ये देखता है कि को ऑकरेंस की संभावना क्या है, एंड इवैल्यूएशन ऑफ द को ऑकरेंस ऑफ एक्सप्लिसिट कॉन्सेप्ट्स इन द टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट में जो एक्सप्लिसिट कॉन्सेप्ट्स हैं उनके को ऑकरेंस का मूल्यांकन किया जाता है, और इसका जो परिणाम मिलता है वो होता है क्रिएशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड को ऑकरिंग कॉन्सेप्ट्स। इसके तहत क्या होता है कि हमें इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स का जो कि एक साथ उस टेक्स्ट में आ रहे हों और एक ही कॉन्सेप्ट्स को एक ही विचार को प्रकट कर रहे हों, एक साथ आ रहे हों, उस तरह के शब्दों का एक ग्रुप मिल जाता है, एक समूह मिल जाता है जो कि समग्र परिणाम पर अपना प्रभाव छोड़ता है। कॉग्निटिव मैपिंग की जब बात करते हैं हम तो इट अटेम्प्ट्स टू क्रिएट अ मॉडल द ओवरऑल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट सच एज ग्राफिक मैप दैट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स। कॉग्निटिव मैपिंग, मैपिंग शब्द की जो बात आती है तो चित्रण करना, यानी ये समस्त जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उस टेक्स्ट में भी उनके बीच के जो संबंध हमें पता चलते हैं उन संबंधों को ग्राफिकल रूप में या मैप के रूप में, जिसको हम कॉन्सेप्ट मैपिंग कहते हैं, उस प्रकार के मैप के रूप में चित्रित करके और प्रस्तुत करना जो है वो इस प्रकार के सब कैटेगरी के तहत किया जाता है। तो हमें यहां पर ये डिसाइड करना होता है कि हम किस प्रकार की एनालिसिस करेंगे, हम अफेक्ट एक्सट्रैक्शन करेंगे, हम प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस करेंगे, या हम कॉग्निटिव मैपिंग करेंगे। और जब इसकी इसको हम निर्धारित कर लेते हैं, इस तथ्य को निर्धारित करने के बाद, तब फिर हम वापस जो हमारा तीसरा सोपान था कंसेप्चुअल कोरिलेशनल एनालिसिस का, डिसाइडिंग द लेवल ऑफ एनालिसिस, हम उसको डिसाइड करते हैं कि हम वर्ड की एनालिसिस करेंगे या फ्रेज करेंगे या सेंटेंस करेंगे या थीम करेंगे, क्या करेंगे। जब ये बात हो जाती है, जब चौथा पड़ाव आता है रिड्यूस द टेक्स्ट टू कैटेगरीज एंड कोड फॉर वर्ड और पैटर्न्स। अब जो हमें टेक्स्ट मिल गए, जो भी कॉन्सेप्ट हमने आइडेंटिफाई कर लिया और हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि हमें किस प्रकार की एनालिसिस करनी है, तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं कि अपने टेक्स्ट को कोडिफाई करके और छोटा करते हैं। हम वर्ड्स या पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको कोड करते हैं ताकि वो और छोटे रूप में हो जाए, जिससे हमारी एनालिसिस जो है थोड़ी सरल होते चले। जब हम टेक्स्ट को कैटेगरीज यानी ग्रुप ऑफ वर्ड कह लें या कोड तक सीमित कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तब हम उनके बीच में रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसको हम कहते हैं, जो अगला पड़ाव हमारा हो जाता है, एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है इसको ढूंढा जाता है, क्योंकि मुख्य उद्देश्य इस प्रकार की एनालिसिस का जो है रिलेशनल कंटेंट एनालिसिस का रिलेशन ढूंढना ही है, रिलेशन को एक्सप्लोर करना ही है। और जब हम रिलेशन को एक्सप्लोर करते हैं
तो हम तीन बातों पर ध्यान देते हैं, स्ट्रेंथ, साइन एंड डायरेक्शन। ये तीन कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको हम देखते हैं कि भैया एनालिसिस करते समय रिलेशन में ये तीन चीजें विहित हैं या नहीं है, और है तो किस प्रकार की है। तो सबसे पहले जब हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप की, तो इट रेफर्स टू अ डिग्री विच टू और मोर कॉन्सेप्ट्स आर रिलेटेड। ये बताता है कि दो या दो से अधिक कॉन्सेप्ट आपस में कितनी सशक्तता के साथ, कितनी मात्रा के साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद साइन ऑफ रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो साइन ऑफ रिलेशनशिप रेफर्स टू द डिग्री टू विच टू और मोर कॉन्सेप्ट्स आर रिलेटेड, सॉरी डिग्री स्ट्रेंथ की बात करता है। स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप रेफर्स टू द डिग्री टू विच टू और मोर कॉन्सेप्ट्स आर रिलेटेड। लेकिन जब साइन की बात करते हैं हम, इट रेफर्स दैट वेदर और नॉट द कंसेप्ट आर पॉजिटिवली रिलेटेड और नेगेटिवली रिलेटेड। दो प्रकार के साइन हो सकते हैं, दो प्रकार के रिलेशन हो सकते हैं, एक तो कि पॉजिटिव रिलेशन हो, दूसरा नेगेटिव रिलेशन हो। अब एक उदाहरण के द्वारा अगर इसको समझने की कोशिश की जाए, तो स्टॉक मार्केट का हम कॉन्सेप्ट लेते हैं। स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट में दो कॉन्सेप्ट होते हैं, बुल और बियर। जो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी या वाणिज्य के विद्यार्थी रहे होंगे वो इन दोनों तथ्यों को जानते होंगे। बुल का मतलब होता है तेजड़िया, जिसको ये उम्मीद होती है कि स्टॉक मार्केट में तेजी होगी और इस हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करता है। और बियर यानी मदरिया, जो स्टॉक मार्केट में गिरावट की उम्मीद रखता है और इन्वेस्टमेंट इस डर से नहीं करता है। अब अगर हम ये कहें कि इट इज अ बुल मार्केट, तो बुल और मार्केट के बीच में जो रिलेशन है वो पॉजिटिव रिलेशन शो करेगा कि भैया इसमें ग्रोथ होना है, आप इन्वेस्ट करो, आउटकम जो है वो अच्छा मिलना है। और ये कहे कि इट इज अ बियर मार्केट, तो यहां पर जो संबंध है वो नकारात्मक संबंध को प्रदर्शित करेगा। तीसरा कॉन्सेप्ट होता है रिलेशनशिप के संबंध में, डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, इसकी दिशा क्या है। इट रेफर्स टू द टाइप ऑफ रिलेशनशिप कैटेगरीज एग्जिबिट। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो अगर ये हम कहें कि एक्स इंप्लाइज वाई, तो यहां पर हमें रिलेशनशिप की दिशा मिलती है। या ये कहे कि एक्स अकर्स बिफोर वाई, या इसका अपोजिट कहे वाई अकर्स बिफोर एक्स। एक्स और वाई अगर दो कॉन्सेप्ट हो जाए, और अगर हम ये कहें कि एक्स अकर्स बिफोर वाई, तो इसका मतलब ये है भैया एक्स का डायरेक्शन पहले है, वाई का उसके बाद आता है। अगर उल्टा कहे कि वाई अकर्स बिफोर एक्स, यानी वाई पहले है एक्स बाद में है। यदि ये कहा जाए इफ एक्स देन वाई, यदि एक्स है तब वाई होगा, यानी वाई की उपस्थिति एक्स पर निर्भर करती है। तो ये सारे हमें कॉन्सेप्ट के डायरेक्शंस को बताते हैं। तो जब भी हम रिलेशनशिप ढूंढते हैं कॉन्सेप्ट्स के बीच में, तो हम इन तीनों तथ्यों को ध्यान में रखते हैं। और रिलेशनशिप ढूंढने के बाद का जो सोपान होता है, जो स्टेप है, वो है कोड द रिलेशनशिप। जब हमें रिलेशनशिप पता चल गया तो हम उसको कोडिफाई करते हैं। कोडिफाई करने के बाद परफॉर्म स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अब हम यहां पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, जो भी उस परिस्थिति में उचित स्टैटिस्टिकल टेक्निक होता है उसको हम कंडक्ट करते हैं। उसके द्वारा हम अपने डेटा को एनालाइज करते हैं, और जो रिजल्ट हमें मिलता है उसको हम यदि संभव हो तो जनरलाइज करते हैं। अंतिम पड़ाव जो होता है रिलेशनल कंटेंट एनालिसिस का, वो मैप आउट द रिप्रेजेंटेशन। ये कॉन्सेप्ट्स और उनके रिलेशनशिप को ग्राफिकल फॉर्म में या मैप के फॉर्म में प्रेजेंट करने का पड़ाव होता है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस प्राप्त करने के बाद जो परिणाम आता है उसको जनरलाइज करने के बाद
हम अपने तथ्यों को और सुंदर ढंग से प्रकट करने के लिए हम उसे ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार से कॉन्सेप्चुअल और कोरिलेशनल कंटेंट एनालिसिस की प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो जाती है। लगभग एक समान प्रक्रिया है, क्योंकि प्रकार अलग है, एक में सिर्फ फ्रीक्वेंसी दिख रही होती है, दूसरे में रिलेशनशिप देखते हैं, इसलिए थोड़ी बहुत भिन्नता प्रक्रिया में भी निहित है। अगला सेक्शन जिसकी हमने बात पहले की थी कि मेरा ये पूरा डेलिवरेशन जो है वो 8 भागों में बटा रहेगा, तो प्रोसेस की बात का जो अगले 2 सेक्शन है वो है एडवांटेज ऑफ कंटेंट एनालिसिस और डिसएडवांटेज ऑफ कंटेंट एनालिसिस। क्या लाभ है और क्या इसकी सीमाएं हैं, इस पर अब हम चर्चा करेंगे। तो मुख्य रूप से जो इसके लाभ हमें दिखाई देते हैं वो ये है कि इट कैन प्रोवाइड्स वैल्यूएबल हिस्टोरिकल कल्चरल इंसाइट्स ओवर टाइम थ्रू एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट। जब हम टेक्स्ट की एनालिसिस करते हैं तो उस समय हमें उसके टाइम यानी वो टेक्स्ट किस टाइम में लिखा गया है और उस समय का कल्चर क्या था, इसकी भी जानकारी मिलती है अगर हम प्राप्त करना चाहें तो। जैसे यदि कबीरदास के किसी पद को लेकर हम एनालिसिस करें, उसकी कंटेंट एनालिसिस करें, तो कबीर के जीवन काल की क्या सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य रहा था, क्या उस समय की संस्कृति रही थी, वो टेक्स्ट किस समय लिखे गए थे और उस समय की क्या विशेषता थी, ये सारा परिदृश्य हमारे सामने उपस्थित होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंटेंट एनालिसिस के सामने या मुंशी प्रेमचंद जी के गोदान को देखा जाए या रंगभूमि के कंटेंट को देखा जाए तो हम ये देख सकते हैं कि जो औपनिवेशिक भारत था, जो ब्रिटिश कालीन भारत था, उस समय ग्रामीण परिदृश्य क्या था, ग्रामीण संस्कृति क्या थी, किसानों की क्या दशा थी, अंग्रेजों के शोषण करने के कितने प्रकार के विविध विविध तरीके थे, ये सारी उपस्थिति जो है अंग्रेजों ब्रिटिश संस्कृति का भारतीय संस्कृति पे क्या प्रभाव पड़ रहा था, या इसका उल्टा कह ले कि भारतीय संस्कृति का ब्रिटिश संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ रहा था, ये सारी चीज़ें हमें एक सीमा तक स्पष्ट हो सकती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कंटेंट एनालिसिस प्रोवाइड्स वैल्यूएबल हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इनसाइट ओवर टाइम थ्रू एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट। जो दूसरा लाभ हमें प्राप्त होता है वो ये है, इट इज एन कैपेबिलिटी द बेस्ट मीन ऑफ एनालाइजिंग इंटरैक्शंस। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में या दो से अधिक समूहों के बीच में जो इंटरैक्शन होता है, उस इंटरैक्शन को विश्लेषित करने का, उसको विश्लेषण करके उससे कुछ अनुमान निकालने का ये सबसे सशक्त माध्यम होता है। अगला लाभ या अगली विशेषता जो समझ में आती है वो ये कि प्रोवाइड इनसाइट इनटू कॉम्प्लेक्स मॉडल्स ऑफ ह्यूमन थॉट एंड लैंग्वेज यूजेस। मनुष्य के मस्तिष्क में जो विचारों की जटिल प्रक्रिया चलती है, जो सोचने की जटिल प्रक्रिया चलती है, और अपनी उस सोच को समाज के अन्य सदस्यों तक लाने के लिए जो वो भाषाई प्रक्रिया अपनाता है, वो जो जटिल प्रक्रिया है, इन सब के विषय में हमें एक इंसाइट डेवलप होता है, हमें जानकारी मिलती है, हम उसके संदर्भ में भी कुछ सीमा तक अनुमान लगा पाते हैं। इसकी सीमाओं को अगर देखा जाए तो इसकी सबसे बड़ी सीमा जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है। ये चाहे कॉन्सेप्चुअल कंटेंट एनालिसिस हो या फिर कोरिलेशनल कंटेंट एनालिसिस हो, टाइम कंज्यूमिंग समय साध्य है, इसलिए लोग इससे बचना चाहते हैं। दूसरी बात है, ऑफन डिसरिगार्ड्स द कॉन्टेक्स्ट दैट प्रोड्यूस्ड द टेक्स्ट एज वेल एज द स्टेट ऑफ थिंग्स आफ्टर द टेक्स्ट इज प्रोड्यूस्ड। जब हम कंटेंट एनालिसिस करते हैं तो हम कॉन्टेक्स्ट को छोड़ देते हैं कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात कही गई है,
क्योंकि किसी भी तथ्य पर, चाहे वो लिखित हो, मौखिक हो, सांकेतिक हो, कॉन्टेक्स्ट का बहुत प्रभाव रहता है। अगर उस कॉन्टेक्स्ट को, उस प्रसंग को ध्यान में न रखा जाए, उस संदर्भ को ध्यान में न रखा जाए, तो उसकी सही व्याख्या, उसका सही विश्लेषण करना संभव नहीं होता है। लेकिन सामान्यतः कंटेंट एनालिसिस करते समय हम इस चीज को छोड़ देते हैं। दूसरी बात, हम ये भी नजरअंदाज कर देते हैं कि उस कंटेंट के प्रोड्यूस हो जाने के बाद, उस टेक्स्ट के प्रोड्यूस हो जाने के बाद चीजें या तथ्य किस स्थिति में रहेंगे, वो भी बहुत मायने रखता है। तो इस प्रकार से ये भी इसकी एक सीमा है। इट इज डिफिकल्ट टू ऑटोमेट और कंप्यूटराइज। हालांकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स उपलब्ध हैं जिसकी हम चर्चा अंतिम पड़ाव में करेंगे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स इसके लिए उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी ये जटिल है और इट इज सब्जेक्ट टू इंक्रीज एरर। कंटेंट एनालिसिस करते समय एरर होने की संभावना बढ़ती है। हालांकि कोडिंग के रूल के द्वारा हम और रिसर्च क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करके हम कोशिश करते हैं कि एरर की संभावना कम हो, लेकिन अन्य रिसर्च टूल्स या रिसर्च मेथड की तुलना में इसमें संभावना अधिक होती है। एक इसकी सीमा और मानी जाती है जो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को लेकर है। कुछ रिसर्च साइंटिस्ट का यह मानना है कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी इस्टैब्लिश नहीं हो सकती है, और कुछ रिसर्च साइंटिस्ट का ये मानना है कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दोनों को इस्टैब्लिश किया जा सकता है, लेकिन एक सीमा तक। तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का इशू जो है वो हमेशा से रहा है कंटेंट एनालिसिस के साथ में। थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग इस पर करते हैं। रिलायबिलिटी की बात पहले करते हैं। इट रेफर्स टू द सूटेबिलिटी और द टेंडेंसी फॉर कोडर्स टू कंसिस्टेंटली रिकॉर्ड द सेम डेटा इन द सेम वे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। रिलायबिलिटी की जब हम बात करते हैं, खासकर कंटेंट एनालिसिस के संदर्भ में बात करते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि जो कोडर्स हैं, जो रिसर्चर है, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, किसी विशेष कॉन्सेप्ट को एक ही प्रकार से बार बार कोड करें। जैसे किसी संप्रत्यय को उसने आज कोड किया और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी उसको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद या महीने भर बाद फिर से कोड करता है, सिमिलर स्टडी के लिए, एक समान रिसर्च का वर्क के लिए उसको कोड करता है, समान संप्रत्यय को, तो उसको उसी कैटेगरी में कोड करे और उसी नियम से कोड करे। ये पहली इशू आती है। दूसरी इशू होती है रिप्रोड्यूसिबिलिटी की। रिप्रोड्यूसिबिलिटी को हम कहते हैं द टेंडेंसी फॉर अ ग्रुप ऑफ कोडर्स टू क्लासिफाई कैटेगरीज मेंबरशिप इन द सेम वे एंड एक्यूरेसी ऑफ और द एक्सटेंट टू विच द क्लासिफिकेशन ऑफ अ टेक्स्ट करस्पॉन्ड्स टू अ स्टैंडर्ड और नॉर्म स्टैटिस्टिकली। यानी अभी तो हमने बात की कि एक कोडर जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक ही तरीके से कॉन्सेप्ट को कोड करे। अब यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो ये करे कि ये ग्रुप ऑफ कोडर्स, कोडर्स का एक समूह जो है वो कैटेगरी जो बनी है कॉन्सेप्ट को, जिस कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा रहा है, तो सारे ग्रुप ऑफ कोडर्स के जो सारे मेंबर हैं वो उस कॉन्सेप्ट को एक ही कैटेगरी में क्लासिफाई करें, तभी उसको कहा जाएगा कि ये एक्यूरेट है और उसकी रिलायबिलिटी बनी रहेगी। अगर किसी ग्रुप में 10 कोडर है और नेशनल इंटीग्रेशन का एक कैटेगरी बनाया गया और उसमें, उस कैटेगरी में पर्टिकुलर किसी कॉन्सेप्ट को एक कोडर ने रखा और दूसरे ने उसको नहीं रखा, उसको दूसरी कैटेगरी में डाल दिया, तीसरे ने तीसरी कैटेगरी में डाल दिया,
तो ये रिप्रोड्यूसिबिलिटी नहीं होती है और इसके कारण रिलायबिलिटी पर इफेक्ट पड़ता है। तो रिलायबिलिटी का जो दूसरा इशू हो जाता है वो रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती है। तीसरी बात जो करते हैं हम वो ये होता है कि एरर को, ये जो एरर होते हैं कंसिस्टेंटली रिकॉर्डिंग के लिए और रिप्रोड्यूसिबिलिटी में जो एरर होता है उस एरर को हम कम नहीं कर सकते हैं, सॉरी उस एरर को हम समाप्त नहीं कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं। एक सीमा तक हम उसको कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन चाहा जाए कि उसको पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाए तो ये संभव नहीं होता है। तो फिर प्रश्न ये उठा कि वो सीमा कितनी होनी चाहिए। तो विद्वानों के बीच में आके 80% तक की बात पर मान्यता स्थापित हुई कि यदि ये एरर जो है 80% तक है, यानी 80% तक कोडर्स जो है एक ही कैटेगरी में उसको कोड कर रहे हैं और जो एक कोडर है वो कंसिस्टेंटली 80% तक उसको एक तरीके से ही कोड कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये रिलायबल है। अगर 80% से परसेंटेज कम होता है तो फिर उसको रिलायबल नहीं माना जाता है। दूसरी बात वैलिडिटी की होती है। वैलिडिटी का मतलब है कि जो क्राइटेरिया बनाया गया है, या यूं कह ले कि इट रेफर्स टू द करस्पॉन्डेंस ऑफ द कैटेगरीज टू द कंक्लूजन एंड द जनरलाइजेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स टू अ थ्योरी। जो हमने रिजल्ट निकाला है, जो परिणाम आया है और जो हमारी कैटेगरीज बनी है, जो ग्रुप बने हैं जिसमें हमने कोड किया है, उसके बीच में आपस में संगतता कितनी है, वो आपस में एक दूसरे से मैच कितने कर रहे हैं, और उस परिणाम को एक थियरी के रूप में हम जनरलाइज करने की हमारे पास कितनी संभावना है। और इस संदर्भ में भी हम तीन क्राइटेरिया को देखते हैं। पहली क्राइटेरिया होती है क्लोजनेस ऑफ कैटेगरीज। ये जो कोडिंग के लिए जो कैटेगरी बनी है वो आपस में कितने समीप हैं, और इसको प्राप्त करने के लिए हम क्लासिफायर्स का यूज करते हैं। क्लासिफायर्स को हम कह लें कि वो एग्जाम्पल्स होते हैं जो एक कैटेगरी को एग्जाम्पलीफाई करते हैं कि ये सारी चीज एक ही कैटेगरी के हैं। तो दिस कैन बी अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग मल्टीपल क्लासिफायर्स टू अराइव एट एन अग्रीड अपॉन डेफिनेशन ऑफ ईच स्पेसिफिक कैटेगरी। जो पर्टिकुलर कैटेगरी हमने डिफाइन कर दी उस कैटेगरी से जो कॉन्सेप्ट हैं जुड़े हुए उनके बीच में आपस में कितनी क्लोजनेस है उसको देखने के लिए मल्टीपल क्लासिफायर का यूज किया जाता है। और अगर इसको थोड़ा सा उदाहरण देकर समझा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि एक कॉन्सेप्ट कम्युनिस्ट का लिया जाए और किसी प्रेसिडेंशियल इनॉग्रल स्पीच में अगर हम इसको देखते हैं कि कम्युनिस्ट कैटेगरी से जुड़े हुए और कितने टर्म्स हैं और कितने कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसके लिए हम मल्टीपल क्लासिफायर का यूज कर सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि इससे जुड़े टर्म जैसे रेड, सोवियत थ्रेट, पिंकोज, गॉडलेस इनफील्ड्स एंड मार्क्सिस्ट सिंपेथाइजर्स, ये सब जो हैं वो कहीं ना कहीं से कम्युनिस्ट से जुड़े हुए टर्म हैं। तो हम इन टर्म को क्लासिफायर्स की संख्या देके उसको ढूंढते हैं और देखते हैं कि ये कितना हमारे इस कैटेगरी से मैच करता है या नहीं करता है, कितनी आपस में क्लोजनेस है। दूसरी बात हम कंक्लूजन्स की करते हैं। कंक्लूजन्स में ये देखा जाता है कि व्हाट लेवल ऑफ इम्प्लीकेशंस इज अलाउएबल। कंक्लूजन्स करेक्टली फॉलो द डेटा। जो डेटा हमने प्राप्त किया, जो डेटा हमें मिला, क्या वो कंक्लूजन को फॉलो कर रहा है? आर दे एक्सप्लेनेबल टू सम अदर फेनोमेना?
क्या वो किसी और घटना के द्वारा, किसी और फेनोमेना के द्वारा भी एक्सप्लेनेबल है, या सिर्फ और सिर्फ इसी फेनोमेना के द्वारा, इसी कॉन्सेप्ट के द्वारा है। अब अगर हम मैनुअल कर रहे होते हैं कंटेंट एनालिसिस, तब तो समस्या थोड़ी कम होती है, लेकिन जब हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो हमारे लिए थोड़ी समस्या बढ़ जाती है। जैसे एक शब्द के कई अर्थ हो जाते हैं, अब उस शब्द का किस अर्थ में प्रयोग किया गया है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए समझना थोड़ा जटिल कार्य हो जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो पहुंच है वो अभी यहाँ तक नहीं हो पाई है। जैसे एक आंग्ल भाषा का या अंग्रेजी का जो एक शब्द है माइंड, जिसका अर्थ होता है मेरा जो पर्सनल प्रोनाउन है, इसका अर्थ खान भी होता है जिससे हम खनिज पदार्थ निकालते हैं, इसका अर्थ एक प्रकार का एक्सप्लोसिव आइटम भी है, विस्फोटक पदार्थ भी है। अब किस संदर्भ में, किस अर्थ में इसको यूज किया गया है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा नहीं पहचाना जा पाता है, जिसकी वजह से त्रुटि होती है या त्रुटि होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद जनरलाइजेबिलिटी की बात की जाती है, तो जनरलाइजेबिलिटी इज वेरी डिपेंडेंट ऑन हाउ वन डिटरमाइंस कॉन्सेप्ट कैटेगरीज एज वेल एज ऑन हाउ रिलायबल द कैटेगरीज आर। जनरलाइजेबिलिटी दो चीजों पर निर्भर करती है, पहली कि कैसे कैटेगराइज किया गया है, और दूसरी बात कि वो कैटेगरीज कितनी रिलायबल है। जो हमने कहा कि 80% तक है तब तो ठीक है, अगर 80% से कम है तब तो गड़बड़ है। तो इस प्रकार से रिलायबिलिटी और वैलिडिटी से संदर्भित ये इश्यू आते हैं, जिसको कुछ सीमा तक समाप्त किया जा सकता है, लेकिन पूर्णतः उसको समाप्त करना संभव नहीं है। इस प्रकार से जो कॉन्सेप्ट कंटेंट एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट था और जो उसके बाकी भाग थे, टाइप्स, प्रोसेस और एडवांटेज डिसएडवांटेज, इश्यूज ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, इसकी एक संक्षिप्त व्याख्या जो कि निर्धारित समय में की जा सकती थी, वो आपके समक्ष प्रस्तुत की गई। अब हमने बात की थी सॉफ्टवेयर्स की, कि कुछ सॉफ्टवेयर्स भी इसके लिए हैं, बने हुए, तो उसकी भी संक्षिप्त जानकारी कि इन सॉफ्टवेयर्स के नाम क्या है और उनको वो पेड वर हैं या फ्री हैं, और उनको हम कैसे परचेज कर सकते हैं अगर पेड है तो, इस पर थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे। पहला जो सॉफ्टवेयर मेरी जानकारी में है उसको हम कहते हैं एनवीवो। इसका पूरा नाम है QSR एनवीवो। ये क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस का एक सॉफ्टवेयर होता है, जो कि QSRinternational.com वेबसाइट के थ्रू परचेज किया जा सकता है। ये पेड वर्जन है, इसका ट्रायल वर्जन भी उस वेबसाइट पे उपलब्ध है, लेकिन ट्रायल वर्जन पे फीचर्स लिमिटेड होते हैं और वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है, उसके बाद आपको फिर उसे खरीदना पड़ता है। ये लिमिटेड टाइम पीरियड सामान्यतः 14 दिन या 30 दिन का होता है। इसके बाद जो दूसरा सॉफ्टवेयर होता है वो है एटलस TI। ये भी क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस का सॉफ्टवेयर है, जो atlas.com वेबसाइट से परचेज किया जा सकता है। ये पेड वर्जन है, इसका भी ट्रायल वर्जन उपलब्ध है, लेकिन वो भी लिमिटेड फीचर और लिमिटेड टाइम फ्रेम के साथ। तीसरा सॉफ्टवेयर है RQDA। RQDA बेसिकली R सॉफ्टवेयर का, जो कि क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस का सॉफ्टवेयर है, उसका एक्सटेंशन है RQDA, R क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस। ये फ्री है, क्योंकि R सॉफ्टवेयर भी फ्री है और ये R का एक्सटेंशन है,
इसलिए ये भी फ्री है। इसको हम गूगल पे RQDA टाइप करके सर्च करके और इसके वेबसाइट से जाकर इसको डाउनलोड किया जा सकता है। इसके प्रयोग में जो समस्या आती है वो ये है कि ये कमांड लाइन इंटरफेस है। कमांड लाइन इंटरफेस का मतलब यह होता है कि आपको इस सॉफ्टवेयर में सारे काम कमांड लिखकर करने होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से काम के लिए हमें कौन सा कमांड लिखना है। और दूसरी बात कि ये केस सेंसिटिव होता है, यानी इसमें कमांड में यदि आपको अपर केस लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, तो सब कैपिटल लेटर ही होगा। लोअर केस में लिखना है, स्मॉल लेटर में लिखना है, तो सब लोअर केस ही होगा। तो इसलिए ये थोड़ा सा जटिल हो जाता है। इसके लिए पहले आपको आर सॉफ्टवेयर की पूरी समझ होनी चाहिए, तब आप इसमें काम कर सकते हैं। चौथा सॉफ्टवेयर है मैक्स QDA, मैक्स क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस। ये भी क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस का सॉफ्टवेयर है और ये maxqda.com वेबसाइट से परचेज किया जा सकता है। इसका भी ट्रायल वर्जन उपलब्ध है और पेड वर्जन भी है। ट्रायल वर्जन के साथ वही समस्या है कि लेस फीचर्स और लेस टाइम फ्रेम के साथ ये मौजूद है। इसके अलावा SPSS के एक अलग सेक्शन SPSS टेक्स्ट के थ्रू भी हम क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस या कंटेंट एनालिसिस कर सकते हैं। हालांकि SPSS सामान्यतः जो है वो क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के लिए प्रयोग किया जाता है और क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के संदर्भ में इसका प्रयोग बहुत ही रेयर या अनकॉमन है, लेकिन हम उसके एक्सटेंशन या उसके एक अलग मॉड्यूल जो कि SPSS टेक्स्ट के रूप में जाना जाता है उसके थ्रू हम क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। और इस प्रकार से जो हमारे मेरे इस पूरे व्याख्यान का जो अंतिम पड़ाव है, जहां पर कि हम कुछ स्टडी मटेरियल्स खास करके कुछ बुक्स की बात करेंगे, वैसे तो इंटरनेट पे कंटेंट एनालिसिस के नाम पर बहुत सारे आर्टिकल्स और अच्छे आर्टिकल्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स पड़े हुए जो आपको सॉफ्टवेयर्स के विषय में बताते हैं कि किस सॉफ्टवेयर का आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं कंटेंट एनालिसिस के लिए पड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी कुछ पुस्तकों की बात मैं यहाँ करूँगा जो कि कंटेंट एनालिसिस के लिए बाइबल के रूप में जानी जाती हैं और जिसमें बहुत ही सुंदर ढंग से इसकी व्याख्या की गई है। पहली पुस्तक है कंटेंट एनालिसिस इन कम्युनिकेशन रिसर्च, जिसको कि बी बेरेल्सन ने लिखी है, 1971 में ये लिखी गई है और हैफिनर पब्लिकेशंस न्यूयॉर्क के द्वारा ये पब्लिश्ड है। दूसरी पुस्तक कंटेंट एनालिसिस फॉर कम्युनिकेशन, जो RW बर्ड, RK थोर्प और एल डोनह्यू के द्वारा लिखी गई है 1967 में और यह मैकमिलन कंपनी के द्वारा पब्लिश हुई है न्यूयॉर्क से। तीसरी पुस्तक कंटेंट एनालिसिस फॉर द सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज, ओले आर होलेस्टी के द्वारा लिखी गई है, 1969 में प्रकाशित हुई है, एडिसन वेजले पब्लिशिंग कंपनी के द्वारा यह पब्लिश हुई है। और होलेस्टी को फादर ऑफ कंटेंट एनालिसिस के रूप में भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से कंटेंट एनालिसिस के संदर्भ में जो संक्षिप्त जानकारी थी जिसके द्वारा हम कंटेंट एनालिसिस की प्रक्रिया को संचालित कर सकते हैं, वो मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की। धन्यवाद।
हेलो, कहाँ भैया, क्या कर रहे हैं? करे हाँ, थैंक यू।